नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। थाना रसला पुलिस टीम द्वारा पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से पैसे की वसूली करने का एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार। परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से लिए गए थे 8,99,000 रुपए। अभियुक्त के कब्जे से अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र, मूलांक प्रमाण पत्र, 4 अदद स्वयं के फर्जी आधार कार्ड किए गए थे बरामद। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया। जनपद बलिया में आरक्षी पुलिस भर्ती जो दिनांक 17 और 18 को उससे संबंधित परीक्षा है, उसके दृष्टिगत पूर्ण रूप से तैयारी हो गई है। शासन और प्रशासन पूर्ण रूप से नकल विहीन, सुचितापूर्ण और साफ सुथरी परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है और जनपद में पूर्ण रूप से स्वच्छ तरीके से और नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी और सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण। सर, कितने आधार स्कैन करके जो अभ्यर्थी वो बैठे हैं, किस बीच में परीक्षा शुरू हो गई है, अभ्यर्थी जो हैं क्लास के अंदर जा चुके हैं, इस बीच में अगर कोई अभ्यर्थी जालसाज पकड़ा जाता है, खासकर आधार के उसमें, तो इस चीज़ को कैसे जो स्टैटिक देखिए, सभी को बहुत स्पष्ट निर्देश है, चाहे वो हमारी टीम हो और चाहे अभ्यर्थी हो, सभी अभ्यर्थियों की डबल तरीके से चेकिंग हो रही है। एक तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई गलत व्यक्ति प्रवेश न करने पाए और दूसरी तरफ फ्रिस्किंग इत्यादि से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी डिवाइस लेकर अंदर किसी भी दशा में प्रवेश न करने पाए। तो ये सब कार्रवाइयाँ समय से हो रही हैं और किसी को भी कोई शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन परीक्षा शुद्ध रूप से नकल विहीन और स्वच्छतापूर्ण होगी। कितने केंद्र बनाए गए और कितने बच्चे हैं सर? दे रहे हैं 43 केंद्र पे परीक्षा यहाँ हो रही है। बच्चे कितने हैं? 76,000। थैंक यू सर। सर, वो जो आरोपी जी, सर क्या मामला है? आप सभी अवगत हैं कि 17 और 18 फरवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस आरक्षियों की भर्ती का की परीक्षा संचालित की जा रही है और इस परीक्षा के संबंध में काफ़ी फूल प्रूफ व्यवस्थाएं की गई हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से, लेकिन इसमें जिला पुलिस को भी ये निर्देश था कि हम लोग भी अपने स्तर से अधिक इसमें सतर्कता बरतें और जो लोग भी इसमें व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं उनको हम लोग चिन्हित करके कार्रवाई करें। तो इसी दिशा में बलिया पुलिस के द्वारा भी लगातार जो भी शिक्षा माफिया हैं, नकल माफिया हैं या जो संदिग्ध व्यक्ति हैं जो इस परीक्षा की शुचिता को भंग कर सकते हैं, उनके खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे थे, निगाह रख रहे थे। और इसी में ही कल एक सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें थाना रसड़ा में सलीम नाम का एक व्यक्ति है, ये सूचना मिली, वो कई लोगों से रुपये ले करके और उनको ये झांसा दे रहा है कि तुम्हारा हम आरक्षी भर्ती का जो एग्ज़ाम है इसको पास करवा देंगे। तो जब पुलिस ने इसको पकड़ के पूछताछ की गई, जब तलाशी ली गई, तो इसके पास से कई सारे अभ्यर्थियों के उनके एडमिट कार्ड बरामद हुए। उसके साथ यही नहीं, इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षाएं जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित दस्तावेज इसके पास बरामद हुए और काफ़ी सारा ऐसा एविडेंस हम लोगों को मिला है कि जिसमें इसने कई लोगों से पैसा लिया है, इसकी पुष्टि भी हम लोगों को हुई है। तो इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस अभियुक्त को के खिलाफ हम लोग पूरी छानबीन गहराई से करके और इसके खिलाफ आगे कार्रवाई करेंगे। क्या सर, पैसे की रिकवरी भी की गई है? हाँ, इसमें रिकवरी हुई है, कई सारी चीज़ों की रिकवरी हुई है। कुछ इसने अपने फर्जी आधार कार्ड भी इसने बनवाए थे तो उन सब की भी रिकवरी हुई है। तो जितनी भी हम लोग रिकवरी हुई है उसकी हमारी क्या क्या हम लोगों को एविडेंट्री वैल्यू, इस चीज़ को इवेलुएट करके हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। जो सलीम गिरफ्तार हुआ है, क्या वो बता रहा था कि किसी अधिकारी के टच में है जो परीक्षा करवा में सेटिंग है हमारी? हाँ, ये अभी पूछताछ हम लोग की चल रही है और भी इसमें गहराई की छानबीन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, अभियुक्त है तो बहुत सारी चीज़ें वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हम लोग के जो एविडेंस मिला उसकी जो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं उससे इस नेटवर्क में जो भी लोग सम्मिलित होंगे उन सब लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, उनका नाम प्रकाश में लाया जाएगा। कितने रुपए बरामद किए गए? ये रुपए की बरामदगी एग्जैक्टली इनकी
इसमें एक्चुअली जो रुपए हैं वो इसके अकाउंट में गए हैं कई सारे, तो उनकी जो बैंक ट्रांजैक्शन है वो हम लोग के पास डिटेल आ गई है कि किसी से इसने चेक के माध्यम से लिया या किसी से इसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया, कुछ लोगों से नगद धनराशि ली है, तो उन सबका विवरण है हम लोगों के पास में और उस पर हम लोग जिन्होंने पैसा दिया है उनसे पूरी पूछताछ करने के उपरांत फिर उसमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। परीक्षा की शुचिता को लेकर कल एक जन जागरूकता के तहत एक मैसेज भी आया था जिसमें इनाम देने की घोषणा की गई थी, तो उस मैसेज के थ्रू कितने फीडबैक आपको मिले और कितने लोगों को आप लोगों ने इनाम दिया? कल ये इस परीक्षा में किसी प्रकार के कोई भी अराजक तत्व किसी प्रकार के व्यवधान न उत्पन्न कर सकें, इसके लिए एक मैसेज किया गया था जिसमें जितने भी अभ्यर्थी थे उनको ये आगाह किया गया था कि कई ठग और दलाल की तरह के लोग ये झांसा दे सकते हैं कि हम तुम्हारा परीक्षा पास करवा देंगे या तुमको पेपर दिलवा देंगे, इस तरह का झांसा दे करके वो अभ्यर्थियों से उनसे पैसे वसूल सकते हैं, उगाही की जा सकती है। तो इसमें इस चीज़ का निवारण हो सके इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक मैसेज एक बलिया पुलिस की तरफ से हमने संदेश ये प्रसारित करवाया कि इस तरह के जो दलाल और फ्रॉड लोग हैं उनसे अभ्यर्थी सावधान रहें और अगर उनको किसी ऐसे व्यक्ति की सूचना मिलती है तो उसके बारे में तत्काल पुलिस को बताएं और जो भी व्यक्ति पुलिस को सूचना देगा उसकी पूरी आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाएगी, उसकी पहचान रिवील नहीं की जाएगी और यदि सूचना सत्य पाई जाती है तो उसको 5,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। पुलिस विभाग में सीक्रेट सर्विस फंड करके एक एसएस फंड होता है जिसके माध्यम से उसमें हम लोग जो मुखबिर हमको सूचना देता है उसको हम धनराशि देते हैं। तो कल जो सूचनाएं मिली उस सूचनाओं में दो सूचनाएं हैं, एक ये जो अभियुक्त पकड़ा गया है जिसका अभी जिसके बारे में बता रहे हैं आपको, इसके बारे में सूचना मिली थी और एक और सूचना मिली थी उसकी भी तस्दीक हुई है लेकिन वो एक अन्य जनपद से संबंधित थी। तो इन दोनों ही सूचनाओं में जो सूचना देने वाले हैं उनको 5,000 रुपये की नगद धनराशि दी गई है। इसके अतिरिक्त और भी हमको सूचनाएं मिली थी उसमें भी पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो संदिग्ध आए हैं सामने उनसे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो एक बार पूछताछ में हमको कुछ जब पुष्टिकारक साक्ष्य मिल जाएंगे तब उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके आगे अवगत कराएंगे हम लोग। जो ये बड़ी कार्रवाई की है टीम उसकी सफलता के लिए कुछ पुरस्कृत वगैरह कुछ? हाँ, ये जो टीम ने किया बहुत अच्छा काम किया है और इनके लिए इन लोगों को हम लोग पुरस्कृत करेंगे और पूरा इसमें समीक्षा करके कि कितना कितना योगदान रहा है उसके हिसाब से उन लोगों को पुरस्कृत करेंगे पूरे पुलिसकर्मियों। थैंक यू सर। थैंक यू सर।